नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षकों की वैकेंसी के लिए जो रिजल्ट आने वाला था वो आ चुका है। 146,060 अभ्यर्थी पास हुए हैं, कुछ फेल हुए हैं, कुछ पास हुए हैं, कोई खुश हैं, कोई नाराज़ हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्राउड ऐसी है जो पास होने के बाद भी खुश नहीं है, क्योंकि वो जैसे तैसे पास हो पाए हैं 100 के अंदर। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न बनते हैं कि क्या कोई अभ्यर्थी 140 या इससे ऊपर अंक ला सकता है। दोस्तों, आपने कुछ क्लिप्स देखी होंगी कि जब कोई अध्यापक है, स्कूल में पढ़ाता है, तो पत्रकार महोदय जाते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि आप स्कूल में पढ़ाते क्या हैं, बच्चों को संडे की स्पेलिंग लिखवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सारे प्रश्न पूछते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते हैं, जनगण मनगण किसने लिखा ये जवाब नहीं दे पाते हैं और उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आज जो 140, 142, 141 जो अंक आए हैं, तो हमारे पत्रकार महोदय उन तक अपनी पहुंच बनाएं और उन लोगों से हमें भी रूबरू कराएं, कैसे अंक आए हैं, कैसे तैयारी की है, किन पुस्तकों से तैयारी की है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि दोस्तों, 140 जिनके अंक आए, उन्होंने तैयारी कैसे की, जबकि उनका प्रीवियस रिजल्ट देखा जाए, हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन की मार्किंग देखी जाए, तो बहुत ज़्यादा डाउन है। वीडियो को जो भी साथी देख रहे हैं, वायरल करें, फेसबुक पर पोस्ट करें, हर जगह भेजें, व्हाट्सएप पर पोस्ट करें, जिससे कि ये जो पत्रकार महोदय हैं उन साथियों तक जो 140 या इसके आसपास अंक लाए हैं उन तक अपनी पहुँच बना सकें और दोस्तों उनसे हमें रूबरू करा सकें। दोस्तों, कितने लोग सहमत हैं हमारे इस विचार से, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।